Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says integrate minus 2 divided by root of 5x minus 4 minus root of 5x minus 2 dx. Very easy question. So, without wasting any time, let's quickly begin with the solution. First of all, whatever integral is given, let us consider that integral as i. So, we have i equals to the same integral. अब इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है इस पूरे फंक्शन में वो है कि हमें डिनोमिनेटर में दो रूट्स का डिफरेंस दिया हुआ है तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में दो रूट्स का डिफरेंस दिया हुआ हो या सम दिया हुआ हो हम यूजुअली क्या करते हैं वहां पर रैशनलाइज कर लेते हैं तो यहां भी हम क्या करेंगे इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेंगे राइट सो लेट अस रैशनलाइज द डिनोमिनेटर अब रैशनलाइज करने के लिए ये जो भी आपका फंक्शन है ये पहले हम एज इट इज ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके कॉन्जुगेट से तो कॉन्जुगेट के लिए ये बीच में माइनस साइन है तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस साइन से राइट right? तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा रूट ऑफ फाइव एक्स माइनस फोर प्लस रूट ऑफ फाइव एक्स माइनस टू अब लेकिन क्योंकि आपने डिनोमिनेटर में ये टर्म से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो इसको बैलेंस करने के लिए न्यूमिनेटर में भी सेम इसी टर्म से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई तो न्यूमिरेटर में भी, भी वे तो न्यूमिरेटर क्या क्या और मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज कर दिया नेक्स्ट स्टेप ये जो आपका न्यूमिरेटर है ये माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई ये जो रूट प्लस रूट है राइट सो यू हैव माइनस टू इंटू रूट ऑफ फाइव एक्स माइनस फोर प्लस रूट ऑफ फाइव एक्स माइनस टू और डिनोमिनेटर में हमारे पास है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी राइट तो व्हाट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कॉम यस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यही सेम फॉर्मूला हम यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों पर तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब रूट ऑफ फाइव एक्स माइनस फोर द होल स्क्वायर माइनस बी

एंड माइनस यहां भी रूट और स्क्र इलिमिनेट हो जाएंगे तो एज इट इज रहने वाला है और डिनोमिनेटर में फाइव एक्स माइनस फोर एज इट इज आ जाएगा अब इसको आप जब ओपन करोगे तो ये माइनस फाइव एक्स एंड देन माइनस एंड माइनस विल बी प्लस टू डी एक्स राइट अब पर देखिए ये प्लस फाइव एक्स और माइनस फाइव एक्स एक दूसरे को कर देंगे राइट right? तो फोर एंड प्लस टू क्या हो जाएगा माइनस टू और ये माइनस टू और ये माइनस टू हो जाएंगे कैंसल ऑल राइट 4 2 dx तो so, हमने एक थोड़े से को काफी form में convert कर लिया अब हमको सिंपली क्या करना है इसको इंटीग्रेट करना है अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए अस रिकॉल द फॉर्मूले एसोसिएटेड विद इंटीग्रेशन तो आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इज 2 बाई थ्री एक्स एज टू थ्री बाई टू और इसी का कॉम्पोजिट फॉर्म है रूट ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स टू बाई थ्री एक्स प्लस अगर हम इस पूरे इंटीग्रल को ध्यान से देखें तो ये जो हमारा दो फंक्शन है वो एग्जेक्टली exactly इसके साथ मैच हो रहा है राइट तो इस पे और इस पे इन दोनों पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ये वाला तो इसके लिए क्या बन जाएगी इंटीग्रेशन वैल्यू टू बाई थ्री

एंड प्लस सी एंड इन द फाइनल स्टेप अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो थ्री इंटू फाइव होता है फिफ्टीन ये भी थ्री इंटू फाइव होता है 15, तो यहां पर भी 2 15 है, और यहां पर भी टू बाई फिफ्टीन है तो हम 2 15 को क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं आउटसाइड इट सो टू बाई फिफ्टीन और ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा फाइव एक्स माइनस फोर द होल रेस टू थ्री बाई टू प्लस फाइव एक्स माइनस टू द होल रेस टू थ्री बाई टू प्लस सी आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन See you in the next video.